अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज बच्चों की फरमाइश पर मैंने बच्चों के लिए बर्थडे केक बनाया है। बस ने कुछ नई सिंपल सा रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने ओरियो बिस्किट का 3 पैकेट लिया, उन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से कूट लिया और फिर उनमें दूध मिलाया, और दूध मिलाने के बाद उनमें इनो का एक सेशे भी मिलाया और फिर बेक कर दिया। बेक करने के बाद अभी मैं केक की स्लाइसिंग कर रही हूँ। 4 लेयर में कट किया है। तो पहला लेयर में मैंने शुगर सिरप बनाया था, पानी और चीनी मिला के, तो शुगर सिरप लगा के अब उसके ऊपर मैं दूसरा लेयर डालूँगी शुगर सिरप सेम प्रोसेस से, और उसके बाद फिर से क्रीम लगाऊंगी। क्रीम लगाने के बाद जो तीसरा लेयर है वो भी लगाऊंगी उसके अंदर। तो फिर क्रीम लगाया, सेम प्रोसेस किया। तो अभी चौथा लेयर जो हमारा वो भी लगाया, शुगर सिरप भी लगाया, पूरे केक को क्रीम से ढक दिया। अब थोड़ा सा फिनिशिंग करूंगी धीरे धीरे करके। तो अभी मेरी बेटी ने स्क्रैपर का पैकेट लेके आई है, तो वहाँ से मैं एक बाहर निकल कर अपने केक की डिज़ाइन बनाऊंगी स्क्रैपर से। तो अभी धीरे धीरे फिनिशिंग हो रहा है केक का। देखिए, स्क्रैपर से मैंने साइड का जो डिज़ाइन है वो बनाया है। धीरे धीरे करके करना पड़ता है, आइसिंग में थोड़ा बहुत समय लगता है। देखिए, ये धीरे धीरे हो रहा है, डिज़ाइन बन रहा है। तो अभी लगभग हमारा केक का फिनिशिंग होने जा रहा है कंप्लीट। तो होने जा रहा है हमारा केक। तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस बच्चों के लिए बनाती हूँ घर पर। बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो देखिए, अभी पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे करना पड़ता है। तो अभी कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है अभी। तो अभी मैं केक को फ्रिज में रख दूंगी आधा घंटे के लिए। ये देखिए, मैंने जो मेरा प्लेट है वहाँ पर केक को असेंबल करूंगी। तो अभी मेरा केक प्लेट पर रख दिया है। तो अभी मैं केक को फ्रिज में रख दूंगी आधा घंटे के लिए सेटिंग के लिए। सेट होने के बाद मैं केक को बाहर निकालूंगी, और जो मेरा बचा हुआ क्रीम था उसमें डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने उस पर रेड जेल कलर, फूड जेल कलर मिलाया है, और थोड़ा पिंक भी मिलाया है। दोनों कलर मिक्स किया है एक अच्छा कलर लाने के लिए। तो देखिए, मेरा जो कलर है वो धीरे धीरे पिंक से गाढ़ा पिंक होने जा रहा है। तो अच्छी तरह से मिला रही हूँ मैं, और थोड़ा भी कलर डाला है मैंने, फूड जेल कलर है ये, देखिए। तो अभी मैं बीटर से बीट करके पूरी अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये देखिए, मैंने बीटर से बीट किया है जो मेरा कलर है। अभी मैं रेड फूड कलर थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है कलर के लिए, ताकि कलर जो है ना वो गाढ़ा आ जाए। तो अभी मैं बीट कर रही हूँ जो बचा हुआ क्रीम को। ये देखिए, अभी ये रेडी होने जा रहा है। तो फिर से एक बार बीट करूँगी। तो अभी ये लगभग रेडी हो चुका है, देखिए अच्छी तरह से रेडी हो चुका है हमारा जो क्रीम है। अभी मैं एक ग्लास के अंदर डालूंगी क्रीम को। नोजल लगा दिया है मैंने पाइप के अंदर, और लगाने के बाद क्रीम को दो पाइप में डाला है क्रीम को, अलग अलग डिज़ाइन के लिए। तो ये वाला स्टार नोजल है, और साथ में एक बड़ा नोजल है। तो अभी मेरा केक फ्रिज से बाहर निकल लिया अभी। तो
तो अभी मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। ये तो स्टार नज़ल का है, फ्लावर बना दिया मैंने, और छोटा वाला जो नोजल था उससे छोटा छोटा डिज़ाइन बनाया, साथ में ये साइड में डिज़ाइन बनाया। तो अभी मैं केक के ऊपर सजाने डेकोरेट करने के लिए शुगर बॉल डाल दूंगी, इससे केक का लुक जो है ना बहुत अच्छा आता है, देखने में बहुत अच्छी लगती है केक। देखिए ये मेरा केक अभी रेडी हो चुका है, पूरी तरह बन चुका है। तो अभी मैं केक कटिंग कर रही हूँ बच्चों को देने के लिए, खुद भी टेस्ट करूँगी। ये देखिए हमारा केक पूरी तरह रेडी हो चुका है, तो अभी मैं कट करने जा रही हूँ। तो अभी मैंने कट कर लिया है, तो अभी मैं प्लेट पे रख रही हूँ सबके लिए अलग अलग पीसेस। ये देखिए ये गिर गया है, अभी मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो दूसरा वाला मेरी बेटी को क्रीम वाला चाहिए, तो उसको क्रीम वाला दे रही हूँ। ये था उसका पीस, उसको क्रीम ज़्यादा पसंद है उसके लिए, ये क्रीम वाला। मुझे क्रीम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मेरी बेटी टेस्ट कर रही है। तो अभी देखिए केक का टेक्सचर जो है ना बहुत अच्छा आया है, और टेस्ट भी करूँगी मैं। तो मैं अभी केक टेस्ट कर रही थी, बहुत अच्छा हुआ है। और ये बिस्किट से बना है, लेकिन बिस्किट का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, बस केक का टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट करने के बाद। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, घर पर बनाइएगा ज़रूर, सिंपल सा रेसिपी है एकदम। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अल्लाह हाफिज़।